उत्तर भारत में तेजी से चढ़ रहा है पारा। लखनऊ में आज तापमान 30 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 16 डिग्री रहेगा। यूपी का बजट सत्र आज से, वाराणसी मेरठ को मिल सकता है बड़ा तोहफा। सरकार द्वारा इस बजट में वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए धनराशि आवंटित करने का ऐलान किया गया। यूपी बोर्ड में मुख्य विषयों की परीक्षाएं आज से हुई शुरू। सभी 75 जिलों में 524 टीमें कर रही है खास निगरानी। लखनऊ में परिवर्तन चौक महल पार्क के पास हिट एंड रन का मामला आया सामने। चार पहिया सवार व्यक्ति ने मारी रिक्शा चालक को टक्कर, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। गोरखपुर पुलिस के हत्थे चढ़े चार साथी लुटेरे, जेल से छुटे बदमाश ने साथियों संग दी थी लूट की घटना को अंजाम। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया कुख्यात बदमाश, 1 लाख रुपए का था इनाम। मुठभेड़ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि देर रात एक बदमाश से मुठभेड़ हुई जिसमें वह घायल हो गया। एकनाथ शिंदे बोले, आगरा किला में कार्यक्रम से पूरा हुआ औरंगजेब से बदला, यहां हर वर्ष मनेगी शिवाजी की जयंती। जन समस्याओं को प्राथमिकता दे अफसर, तत्काल करे समाधान जनता दर्शन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अलीगढ़ में नशीला पदार्थ खिलाकर किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। नाबालिग को नुमाइश दिखाने ले गई थी महिला, पुलिस जांच में जुटी। सपा विधायक अरमान खान के जलाभिषेक करने पर सियासी बवाल, हिंदू संगठनों ने किया गर्भगृह का शुद्धिकरण।